अपनों के मुकाबले विरोधियों से निपटना ज्यादा आसान है और इस वक्त बीजेपी की मुसीबत यही है कि वो प्रत्याशियों के 4 लिस्ट जारी कर कांग्रेस से तो आगे निकल गई लेकिन अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का विरोध उसे पीछे खींच रहा है। कलह टिकट को लेकर मची हुई है जो धीरे धीरे अब बढ़ने भी लगी है। बीजेपी में टिकट पर टेंशन, विरोध ने बढ़ाई आफत, 136 पर मुहर, 94 पर मंथन, अभी और बढ़ सकती है बगावत। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में 136 उम्मीदवारों का ऐलान करके बीजेपी भले ही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही है लेकिन टिकट पर तकरार और विरोध के सुर पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावती तेवर बुलंद हैं, कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है तो कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध के अलग अलग तरीकों से पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदापुरम में तो कार्यकर्ताओं ने मौन विरोध का सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहां टिकट का ऐलान होने से पहले ही कार्यकर्ता वर्तमान विधायक सीतारमन शर्मा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और किसी नए चेहरे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। चुनावी साल में कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चुप होकर भी विरोध कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, नर्मदापुरम संभाग से ये कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं जो है वो सब जो यहाँ मौन तरीके से बैठे हुए हैं और जो तख्तियां जो है वो अपने हाथों में लिए हुए हैं कि परिवर्तन, होशंगाबाद 137 जो नंबर विधानसभा उसमें परिवर्तन की मांग वो कर रहे हैं। कह रहे हैं जो कार्यकर्ताओं का अपमान करता है ऐसे विधायक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी में विद्रोह के सुर शोर में तब्दील हो रहे हैं। मऊगंज में भी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। विरोध प्रत्याशी बदलने के लिए हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने नर्मदापुरम से मौजूदा विधायक प्रदीप पटेल पर ही फिर से दांव चला है लेकिन कार्यकर्ता खुश नहीं है। विधायक पर आरोप सनातनी विरोधी होने के साथ साथ क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करने का भी है। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मऊगंज में हार तय है। मऊगंज का विकास नहीं, उन्होंने विनाश लिखा है। इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विकास गिना के वोट मांगना चाहते हैं और जातिगत आधार पे वो वोट मांगना चाहते हैं। मऊगंज की जनता इतनी पागल नहीं। टिकट पर बढ़ते टकराव के बीच खबर ये भी है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 5वीं लिस्ट के बाद बगावत बढ़ने की आशंका जताई गई है। बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। 94 नामों पर मंथन चल रहा है जिनमें 30 से 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। चुनावी जंग में विरोधियों से ज्यादा बीजेपी अपनों की मुखालफत से घिरी है। अब देखना यह है कि विरोध की सुलगती चिंगारी को भड़कने से पहले बीजेपी रोक पाएगी या फिर ये चिंगारी आग बनकर जीत की राह में रोड़ा बनेगी। रिपोर्ट न्यूज 18। एमपी के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसे 8 महीने तक बंद रखा और खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड दी। रात रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन